दोस्तों, किचन में कई तरह के मसाले पाए जाते हैं। ऐसे में पीली सरसों का नाम और उसका खाने में इस्तेमाल बहुत लोग करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको पीली सरसों से जुड़ा एक खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अपनी कई समस्याओं का हल कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में पीली सरसों का बहुत खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पीली सरसों के उपाय से ग्रह दोष तो दूर होते ही हैं, और साथ ही इससे जीवन की अन्य परेशानियों से भी निजात पाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं पीली सरसों के उपाय के बारे में। शनिवार और मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर उसे हनुमान मंदिर लेकर जाएं, और बजरंग बली की प्रतिमा से थोड़ा सा सिंदूर कपड़े में रख लें, और इस पोटली को अपने घर में पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। पूर्वा भाद्रपद स्वाति आर्द्रा नक्षत्र में पीली सरसों के कुछ दाने अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारा कर किसी भी नदी में प्रवाहित कर देने से आपके बुरे समय में भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, और राहु भी आपको शुभ फल देने लगता है। देवी बगलामुखी के पूजन में पीली चीजों का ही प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो आप किसी शुभ मुहूर्त में पीली सरसों के कुछ दाने पीले कपड़े में बांधकर मां बगलामुखी को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है और आपको उसके उपाय करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप किसी भी पूजा या अनुष्ठान करने से पहले पूजा स्थल अथवा अपने घर के चारों ओर पीली सरसों के दाने अभिमंत्रित करके बिखेर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के चारों तरफ एक सूक्ष्म रक्षा कवच बन जाएगा और आप कोई भी अनुष्ठान अथवा पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस उपाय से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पूजा में रुकावट नहीं बन सकेगी। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है अथवा आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, तो आप एक बड़े से दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर उसे प्रज्वलित कर दें और ओम बगलाय नमः मंत्र का एक माला जप करें, तो आपकी परेशानी दूर हो सकती है और साथ ही दुश्मन भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को नजर लगी है तो आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में लाल मिर्च, अजवाइन, पीली सरसों वार दीजिए और फिर उसे जलाकर उसके धुएं को छोटे बच्चे को दिखाइए। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको ग्रहों की परेशानी है तो आपको इसका उपाय करना होगा। आपको अपने राहु ग्रह को ठीक करना है तो आप अपने राहु ग्रह के ऊपर पीली सरसों 7 बार वार कर उसे नदी में यानी कि बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपको लाभ होगा। 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में तिल, साबुत धनिया तथा साबुत नमक मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रख दे। इससे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी और ग्राहक में साफ असर दिखने लगेगा। घर में कलेश रोकने के लिए पीली सरसों में गुड़, शहद, गाय का घी, चंदन, गुग्गल, अगर, शिलाजीत, सलाई की धूप तथा नागरमोथा मिलाकर हवन करें। घर की सभी बाधाएं शांत होंगी तथा प्रसन्नता का माहौल बनकर घर में सुख शांति आएगी। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।